गुड मॉर्निंग गाइस, सदर बाजार के हमारे एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप कुछ टाइम से अब आप व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होगी, क्योंकि लास्ट वीक क्या हो रहा था, रेगुलर व्लॉग्स आ नहीं पा रहे थे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, तो उस चीज का मैंने रीजन आपको बताया था कि व्लॉग क्यों नहीं डाल पा रहे थे। तो आज की वीडियो में हम वो चीजें देखेंगे जो सदर बाजार में सबसे ज्यादा सस्ती है, यूज़फुल है, आप अपने घर पे यूज़ कर सकते हो। वेडिंग सीजन चल रहा है, वेडिंग सीजन के लिए आपको शॉपिंग करनी, वो सारे आइटम्स को लेके हम आज बात करेंगे। उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी नए लोग हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना, वो इसलिए क्योंकि जितनी भी नई वीडियोज़ आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहेंगी। अगर आपको पाउचेस चाहिए या फिर आपकी खुद की शादी होने वाली है, लहंगों से मैचिंग आपको चूड़े चाहिए, आपको हर एक चीज यहाँ पे मिलेगी। ये पाउचेस 100 रुपीज के थे, 50 रुपीज की रेंज में घर में पहनने वाले जो चूड़े होते हैं ना प्लास्टिक में, वो आपको मिल जाएंगे। कांच में अगर आपको बैंगल्स का पूरा सेट चाहिए, सपोज आपकी शॉप है, आपको उसके लिए शॉपिंग करनी है, बट आप पहले कहीं और से शॉपिंग करते थे, आपको पता नहीं था कि सदर बाजार में किस तरीके की चीजें मिलती है, तो वो लोग भी यहाँ पे आके शॉपिंग कर सकते हो। 100-100 रुपए का आपको पूरा सेट मिल जाता है, 150 रुपीज में आपको ये पूरा बॉक्स मिल जाएगा। जब भी हम बात करते हैं ना बल्क में शॉपिंग की, तो हमेशा एक चीज को ध्यान रखना, जो शॉप के लिए शॉपिंग करते हैं, जो ज्यादा चीजें खरीदते हैं किसी भी जगह से, वो हमेशा सस्ती पड़ती हैं, चाहे वो चूड़ियाँ हो या फिर घर के लिए फ्लावर पॉट्स हो। नो डाउट कि सदर बाजार में आपको बहुत ही सुंदर डिजाइंस के फ्लावर पॉट मिल जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे ना ये सब चीजें बनती हैं, और यहाँ पे आपको ना इनके जो प्राइस है ना वो ऐसे मिलेंगे, 20 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं, साइज के अकॉर्डिंग उनके प्राइस होते हैं। जैसे ये वाला था, ये आपको 80-100 रुपीज की रेंज में मिल जाएगा, पीछे वाले 120 रुपीज के थे। अब जैसा कि सब जानते हैं वेडिंग सीजन है, और आजकल ट्रेडिशनल चीज़ों का भी लोगों को बहुत शौक हो गया है, चीज़ों को थोड़ा सा डेकोर के साथ वो लोग अपने घरों में यूज़ करने लगे हैं। लाइक जैसे ये हल्दी है, तो मेहंदी हल्दी इस तरीके के जो ऑलरेडी बने बनाए मार्केट में चीज़ें आती हैं, उनसे अपने घर को डेकोर करके फंक्शन को और ज्यादा कलरफुल बनाने लगे हैं। अगर आपको मांग टीका, हाथ फूल, नेक पीस वगैरह चाहिए, ये सब आपको 100 रुपीज की रेंज में मिल जाएंगे। जब भी हल्दी मेहंदी का फंक्शन होता है ना, अब सिर्फ वो नहीं होता कि सिर्फ ब्राइडल ही होती है, उसके कजन्स वगैरह के लिए भी ये सेम चीजें खरीदी जाती है। तो अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप एक बार सदर बाजार जरूर आना इन चीजों के लिए। साथ ही में एक्राइलिक और मैट फिनिशिंग के जो क्लक्चर है ना, वो आपको यहाँ पे 30-50 रुपीज की रेंज में देखने को मिल जाएंगे। नॉर्मली अगर आप यही सेम क्लक्चर किसी और मार्केट में जाके खरीदोगे, वो थोड़े से एक्सपेंसिव है, 100 रुपीज की रेंज में आपको स्टोन वाले क्लक्चर्स मिल जाएंगे। अब घर के दरवाजों को सजाने के लिए भी अगर आपको छोटी छोटी चीजें खरीदनी है, तो 100 रुपीज की रेंज में आपको ये सब मिल जाएंगे। कान्हा जी की जो बास्केट होती है, वो भी इनके पास थी, टोकरी जिनको हम बोलते हैं, जिसमें हम कान्हा जी को सुलाते हैं, उनको बिठाते हैं, जो कान्हा जी का नाम लेते हैं और उनको पूरा टाइम अपने साथ रखते हैं, वो सब ये चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं। 150-100 रुपीज की रेंज में इनके पास बहुत ही सुंदर टोकरियाँ थी, और मतलब इनके डिज़ाइन भी बहुत अच्छे थे, इन्होंने इनको डेकोर भी काफ़ी अच्छे से करके रखा था। साथ ही में अगर आपको चाहिए फोटो फ्रेम हर किसी के घर में यूज़ हो जाता है, इस तरीके की जो सीनरियाँ होती थी ना, वो पहले वाले घरों में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। 100-150 रुपीज की रेंज में आपको इस तरीके की तस्वीरें मिल जाएंगी, और अगर आपको कुछ यूनिक डिज़ाइन लेने, कुछ 3D प्रिंट लेना है, तो आप इस तरीके के ऑप्शन भी चूज कर सकती हो। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि सदर बाजार में अगर आप जाते हो, अपना टाइम लगाते हो, तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। पंच आपको 30 रुपीज का, 50 रुपीज में आपको आर्टिफिशियल नेल मिल जाएंगे, 100 रुपीज में आपको पेडल कॉम मिल जाएंगी, काफी अच्छी कॉम थी, राउंड वाली भी थी। आईलाइनर चाहिए, 50 रुपीज में आईलाइनर मिल जाएंगे। मेकअप ब्रशेस चाहिए, वो भी आपको 50 रुपीज में मिल जाएंगे। तो ओवरऑल 100 रुपए की रेंज में आपको काफी अच्छी चीजें मिल जाती है। लिपस्टिक की काफी सारी शेड होती है इनके पास 50 रुपीज की रेंज में, 50 और 100 इसके बीच आपको ना हेयर बैंड देखने को मिलेंगे। जो प्लास्टिक वाले हेयर बैंड है वो आपको 50 रुपीज के एक दर्जन, ये वाले आपको 110 रुपीज के, क्लक्चर वगैरह 60-60 रुपए के, 50 रुपए में आपको रबड़ बैंड का पूरा बॉक्स मिल जाता है,
तो ओवरऑल जो चीज़ें होती है ना यहाँ पे बहुत अच्छी होती है, क्वालिटी बहुत प्रीमियम आपको देखने को मिलेगी। डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे क्या चीज़ ले रहे हो, कितने बजट के अंदर ले रहे हो। ये वाले रबड़ बैंड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब काफी बढ़िया होते हैं, कलर्स भी काफी अच्छे होते हैं। फर में अगर आपको चाहिए तो 70 रुपीज की रेंज में आपको फर वाले मिल जाएंगे। साथ ही में अगर आपको पोर्ट वगैरह चाहिए 350-400 रुपए की रेंज में, फ्लावर विद पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ ही में जो पोर्ट स्टैंड थे वो भी इनके पास बहुत अच्छे थे, पोर्ट भी काफी बढ़िया थे। और ये वाला जो व्हाइट फ्लावर वाला था ना, ये 200 रुपीज का था। आप हाइट देखिए, प्रॉपर हाइट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें एक येल्लो कलर भी था, पिंक कलर के फ्लावर्स भी। अगर आपको खाली फ्लावर्स खरीदने हैं तो आप फ्लावर्स भी खरीद सकते हो, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोगों के पास ग्लास पॉट होते हैं, उनका सिर्फ फ्लावर्स खरीदने होते हैं। और ये रेड वाला आपको 200 रुपीज की रेंज में मिल जाएगा। 200 रुपए की रेंज में बहुत ही सुंदर फ्लावर पॉट थे। और आपको ना यहाँ पे ये सब चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। अंदर की गलियों में भी जाओगे ना तो गलियों में भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलेंगी। बैंगल्स वगैरह चाहिए, चूड़ियों का शौक है, स्टेटमेंट ज्वेलरी का शौक है, अमेरिकन एडी वाले जो बैंगल्स होते हैं उनका शौक है, सब आपको यहाँ पे बहुत सस्ता मिलेगा। 500-1000 रुपए की रेंज में ना यहाँ पे आपको काफी अच्छी चीजें मिल जाएंगी। मांगटीका देखिए कितने सुंदर थे, और जो साउथ इंडियन ज्वेलरी होती है वो भी काफी बढ़िया थी। 200-200 रुपए की रेंज में, 250-250 रुपए की रेंज में आपको ना काफी अच्छे कड़े देखने को मिलेंगे। अगर आपकी नई नई शादी होने वाली है या नई नई शादी हुई है तो आप अपने लिए यहाँ से काफी अच्छी शॉपिंग कर सकते हो। जो ये आपको रिंग्स नजर आ रही है ना, कॉकटेल रिंग बोलते हैं, यहाँ पे उनके भी काफी अच्छे ऑप्शन आपको एक्सप्लोर करने को मिलेंगे। बाकी ब्राइडल सेट, इस बात में तो कोई भी डाउट नहीं है कि सदर बाजार के ब्राइडल सेट जितने सस्ते होते हैं, जितनी प्रीमियम क्वालिटी के होते वो कहीं पे नहीं मिलते हैं। अगर आपको अपने लिए शॉपिंग करनी है, वो भी ब्राइडल सेट की, या फिर आपकी किसी कज़न के लिए आपको शॉपिंग करनी है, तो कई बार क्या होता है ना, शादियों का जब सीज़न होता है तो बहुत सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं। तो हम क्या करते हैं ना, 2-3 फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होकर शॉपिंग करने जाते हैं, मज़ा भी अलग आता है और चीज़ों पे डिस्काउंट भी बढ़िया मिल जाता है, क्योंकि सब थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लेते हैं। अगर आपको बैंगल बॉक्स चाहिए, ज्वेलरी बॉक्स चाहिए है, तो आपको ना यहाँ पे ये सब ऑप्शंस भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे। 200-150 रुपए की रेंज में आपको काफ़ी बढ़िया वैनिटी बॉक्स मिल जाएंगे। ये देखिए बैंगल बॉक्स था, इसमें आपको 3 लेयर मिलेंगी और काफ़ी अच्छे डिज़ाइन इनके पास थे। तो अगर आपको अपने लिए ये सब चीज़ें खरीदनी है तो प्लीज़ एक बार सदर बाजार ज़रूर आना। अब बात करते हैं कुछ शॉपिंग की जो हम अपनी शॉप के लिए कर सकते हैं। तो ये सब जितने भी मैं आपको केयरिंग्स दिखा रही हूँ ना, ये सब 70 रुपीज के एक दर्जन थे। हमेशा ध्यान रखना, ये सब आपको बल्क में परचेज करना पड़ेगा, सिंगल सिंगल पीस ये लोग नहीं देते हैं। स्पेशली इन केस ऑफ केयरिंग्स, इसमें भी आपको बहुत अच्छे डिज़ाइन मिल जाएंगे। 50-70 रुपीज से स्टार्टिंग होती है, 120-100 इस रेंज में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। चुटके वगैरह के बारे में लोग मेरे से पूछ रहे थे कि यहाँ की चुटकियाँ कैसी होती हैं, कैसे डिज़ाइन होते हैं। आप जो ये बॉक्स देख रहे हो ना, आप 120 रुपये के आपको ना 6 और 7 पेयर आपको मिल जाएंगे। डिज़ाइन टू डिज़ाइन इनका प्राइस वेरी करता है, छोटे वाली जो होती है वो 100 रुपये की आपको ज़्यादा मिलती है, बड़े वाली 1-2 पेयर कम मिलते हैं। तो इस तरीके से आप अपने लिए शॉपिंग कर सकते हो। चप्पलों की तो आप पूछो ही मत, यहाँ पे भरमार लगी है। 50-50-100-100 रुपये की चप्पलें यहाँ पे मिल जाती है, 200 रुपये में शूज मिल जाते हैं, सैंडल आपको 100 रुपीज में मिल जाते हैं। और बताओ यार क्या चाहिए, सदर बाजार में ये चीज पॉसिबल है? और कहीं पे तो 50-50 रुपए में किसी भी शॉप पे चले जाना, आपको फुटवेयर मिलेंगे ही नहीं। और यहाँ पे बहुत अच्छे टॉयज भी मिलते हैं, किसी के घर में छोटे बच्चे हैं ना, 200-300 रुपए की कार का सेट मिल जाता है आपको ना। काफी अच्छी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। टॉयज की जो क्वालिटी थी ना वो बहुत ही प्रीमियम थी। छोटे बच्चों को कार पसंद होती है या फिर कार्टून्स पसंद होते हैं तो आप उनके लिए यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो, काफी सस्ते रहते हैं, 200-250-300-350। अगर आप किसी भी स्टोर पे जाओगे या किसी भी मॉल में जाके आप टॉयज की शॉपिंग करोगे ना, क्वालिटी यही रहती है बट प्राइस इनके ट्रिपल हो जाते हैं। तो प्लीज आप एक बार सदर बाजार जरूर आना। शादियों का सीजन और ऐसा हो ही नहीं सकता कि फुलझड़ियां किसी को ना दी जाए। जब भी क्या होता है ना कि घर में किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी ना संदूक में फुलझड़ियां वगैरह रखी जाती है, तो 250-300-450 रुपए की रेंज तक, 500 रुपए की रेंज तक आपको ना ऐसी मल्टी लेयर में फुलझड़ियां मिल जाएंगी। पहले के टाइम पे तो लोग अपने हाथों से बनाते थे,
बट अभी जमाना थोड़ा बदल गया है। वॉचेस का शौक है और आपको बच्चों के लिए वॉचेस खरीदनी है तो 200 से लेके 300 रुपये दर्जन तक की आपको वॉचेस मिल जाएंगी। ये वाली आपको 300 रुपये दर्जन मिलेंगी, काफ़ी बढ़िया थी छोटे वाली। और जो ये बड़े वाली है ना, ये 560 की, 1000 रुपये दर्जन ऐसे मिलेंगी। सिंगल की अगर मैं बात करूँ तो आपको 100 रुपीज़ का सिंगल पीस पड़ेगा। और अगर आपको बल्क में लेने हैं तो बल्क में चीज़ों के प्राइस अलग रहते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये सब 100-100 रुपए वाली सिंगल पीस की वॉचेस हैं। तो अगर आपको भी अपनी शॉप के लिए शॉपिंग करनी है वॉचेस की तो आप यहाँ से ले सकते हो। ये सब ऑप्शन ना आपको अंदर की गलियों में देखने को मिलेंगे। वॉल क्लॉक हर किसी के घर में यूज होती है और यहाँ पे वॉल क्लॉक 200 रुपए से मिलनी शुरू हो जाती है। डिपेंड करता है कि उसका डिजाइन कैसा। जैसे ये सब ना 200-200 वाले आइटम है, जो जितनी ज़्यादा सुंदर बड़ी दिखेगी ना, वो आपको यहाँ पे 500-600 रुपए की रेंज में इजीली मिल जाएगी। जब भी कोई भी वॉल क्लॉक आप लोए, प्लीज़ उसको चेक करा के लें। 50-50 रुपीज़ की रेंज में आपको मसाले रखने वाले, जिसमें नमक मिर्ची डाल के रखते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। 200 रुपए की रेंज में आपको टिफ़िन का सेट मिलेगा 3 का। अगर आपको ग्लास आइटम पसंद है ना, तो वो भी आपको यहाँ पे 150 रुपीज़ की रेंज में देखने को मिल जाएंगे। 150 रुपीज़ की रेंज में ही आपको ना ट्रे का सेट मिलेगा। इसमें 3 ट्रे आएंगी, 3-4 ट्रे रहती हैं। तो अगर आपको अपने घर के लिए ट्रे की ज़रूरत है तो आप यहाँ से वो भी ले सकते हो। ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, डिज़ाइन इनके पास बहुत सारे होते हैं, तो आप यहाँ से उनकी भी शॉपिंग कर सकते हो। वेजिटेबल कटर्स वगैरह यहाँ पे आपको काफ़ी सही मिल जाएंगे 150 रुपीज़ की रेंज में। 50 रुपीज़ की रेंज में आपको मैशर मिल जाएगा। पिज़्ज़ा कटर अगर आपको चाहिए, वो भी 50 रुपीज़ की रेंज में था। तो ओवरऑल जो किचन अप्लाइंसेस होते हैं, किचन से रिलेटेड जो आपके टूल्स होते हैं, वो भी यहाँ पे आपको बहुत अच्छे प्राइजेस पे मिल जाएंगे। अगर आपको ग्राइंडर वगैरह चाहिए, वो भी थे, हैंड ग्राइंडर्स भी थे 200-200 रुपए की रेंज में। अगर आपको कुछ भी चाहिए किचन से रिलेटेड, चाहे वो कितनी भी छोटी चीज़ हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपको हर चीज़ मिलेगी। स्पून सेट मिलेगा, सिलिकन ऑयल ब्रश मिल जाएंगी। साथ ही में अगर आपको अपने लिए स्टॉल वगैरह चाहिए तो 150 रुपीज़ की रेंज में आपको स्टॉल कम शॉल मिलेंगे। ये सही गरम रहते हैं। अगर आपको किसी को दान देना है और आपका बजट कम है तो आपको एक बार ज़रूर सदर बाज़ार आना चाहिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पे भीड़ बहुत होती है, चोरी चकारी बहुत होती है, तो आप उस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगर वीडियो में मैंने आपको जितनी भी चीज़ें दिखाई हैं आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करके मुझे बताना। 100 रुपीज़ की रेंज में आपको बैग्स मिल जाएंगे। बैग्स की तो कोई बात ही नहीं है यार, इतने सारे ऑप्शन होते हैं और बल्क में तो इनके प्राइस और कम हो जाते हैं, पर वो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो अगर आपको बल्क के लिए भी लेना है ना, तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप ऐसी है जिनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और लोकली अगर आपको रोड साइड से चीज़ें खरीदनी है तो 100-150 रुपए में तो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। और देखिए, प्रॉपर पैकिंग के साथ चीज़ें होती है, चाहे वो टॉफ़ी हो चाहे वो बैग्स हों। टॉफ़ी हर किसी को पसंद होती है, छोटे बड़े हर कोई खा लेता है, स्पेशली बच्चों को तो बहुत पसंद है। ये ट्रांसपेरेंट जितने भी पैकेट बने हुए हैं ना, ये आपको मिलेंगे 100 रुपीज़ के 4। फ्लेवर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, चॉकलेट, ऑरेंज, लॉलीपॉप, किशमिश वगैरह सब। साथ ही में अगर आपको चाहिए डबल बेड सिंगल बेड के कंबल, वो भी बहुत बढ़िया थे। 650 से लेके 1500 की रेंज में इनके पास कंबल थे। ये वाले कंबल सब ना 1200 और 1500 रुपए की रेंज में है। क्वालिटी इनकी बहुत बढ़िया थी। मे भी मुझे इतना नॉलेज नहीं है कंबल वगैरह की, बट मम्मी को बहुत है, वो बोल रही थी कि अच्छे कंबल हैं, तो आप यहाँ से कंबल ले सकती हो। रुमाल हर कोई यूज़ करता है, छोटे हों बड़े हों, लेडीज़ हों जेंट्स हों, हर किसी को रुमाल चाहिए होते हैं। 100-100 रुपए के आपको ना एक एक दर्जन रुमाल मिल जाते हैं, जिसमें ऑप्शन रहते हैं, कुछ कुछ 120 के भी होते हैं और कुछ कुछ 60 रुपए के भी होते हैं। तो आपको ना यहाँ पे हैंकीज में भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पॉलीथीन वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी सही रहती है। अब देखिए, रेनकोट में भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, पॉलीथीन में आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ओवरऑल ना यहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाती है। पॉलीथीन ये सब चीज़ें ना शॉप वाले ज़्यादा खरीदते हैं, घरों में भी यूज़ हो जाती है, तिरपाल की तरह यूज़ कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके का व्यू है, वो सामने जो आपने स्टैचू देखा वो अवंती बाई चौक का था, और पूरी रोड पे कैसे रौनक लगी रहती है। यहाँ पे ना सब पॉली बैग का ही काम था, कोई 100 रुपये किलो था, कोई 120 रुपये किलो था, किलो के हिसाब से चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। ये पॉलीथीन वगैरह ना खेतों में काम आती हैं, या फिर किसी को अपने घर पे कुछ छाँव सी करनी है उसके लिए काम आ जाती है,
तो जिन लोगों को पॉलीथीन की जरूरत है ना, वो यहाँ से पॉलीथीन भी ले सकते हो। काफी सही ऑप्शन आपको फुटवेयर्स में मिल जाएंगे। प्राइस बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल था, 100 रुपये इनका प्राइस था और पार्टी वियर चपली थी। ऑप्शन आपके सामने है, फैंसी स्पार्कल में चाहिए, ब्लैक, ग्रीन, गोल्डन, कलरफुल, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मेरी एक व्यूअर ने मेरे से पूछा कि सोसो वाली जो चप्पलें होती है दिखने में कैसी होती है। दिखने में बहुत सही होती है, जैसे आपकी 250 वाली चप्पलें होती है ना, सेम वैसे ही होती है। कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों के अपने अपने मार्जिन उसमें ऐड हो जाते हैं। सपोज आपने एक मैन्युफैक्चरर से चीज़ खरीदी, फिर वो आपने आगे किसी को बेच दी, अब आगे वाला जब थर्ड बंदे को बेचेगा उसमें अपने मार्जिन्स लगा देते हैं, इसलिए चीज़ें महंगी हो जाती है। और यहाँ पे ये खुद मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या फिर ये मैन्युफैक्चरर से लेके यहाँ पे माल डालते हैं, तो इनके बीच मीडिएटर क्या होता है, सिर्फ यही मीडिएटर होते हैं, तो यहाँ पे चीज़ें सस्ती रहती है। तो ये सब चीज़ें भी आप ज़रा समझें कि यहाँ पे चीज़ें सस्ती क्यों मिलती हैं, क्वालिटी के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं ये लोग, या फिर इस चीज़ के पीछे ओरिजिनल रीज़न क्या है। अगर आपको बैग चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, 100-150 रुपये की रेंज में आपको ना टॉट बैग मिल जाएंगे, 100 रुपये की रेंज में आपको स्लिंग बैग मिल जाएंगे, और यही स्लिंग बैग अगर आप किसी और लोकल मार्केट से लोगे तो एक्सपेंसिव होते हैं। अब मैं बात कर रही थी 600 रुपये वाली वॉल क्लॉक की, जो आपने गोल्डन कलर की वॉल क्लॉक पीछे देखी ना स्टार्टिंग में, वो थी। ये सब 350 की रेंज में है। देखिए वो सामने वाली जो है ना, वो आपको 500-600 रुपये की रेंज में मिल जाएंगी, और राधे राधे, जय श्री राम, ये सब आपको ना 300-300 रुपये की रेंज में मिलेंगी। 250-350, ये दो रेंज ऐसी हैं जिसमें आपको घर के लिए काफ़ी सही वॉल क्लॉक मिल जाती है। किसी को अपने लिविंग रूम के लिए लेनी है या फिर ड्राइंग रूम के लिए लेनी है तो सामने वाली ले सकते हैं। 150 रुपीज़ की रेंज में यहाँ पे टी शर्ट्स होती हैं, बड़ों की टी शर्ट्स 150 रुपीज़ की रेंज में होती है। जो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं उनकी ड्रेसेस आपको 150 रुपये में दो पेयर मिल जाएंगी। बाकी जो टी शर्ट्स आपको अभी नज़र आ रही है ना, जितने भी डिज़ाइन कलर्स यहाँ पे हैं, वो सब 150 रुपीज़ की रेंज में थे। हाफ स्लीव्स, फुल स्लीव्स दोनों ऑप्शन रहते हैं। अवंती बाई चौक से जैसे ही आप मार्केट की तरफ एंट्री करोगे, दोनों ही साइड आपको टी शर्ट्स के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी होती है जो 150 वाली टी शर्ट्स होती है। टी शर्ट काफ़ी सही होती है, आप इनको पहन सकती हो, पर इनको ना आप घर पे ही पहन सकती हो। आप कहीं पे बाहर फंक्शंस वगैरह में या फिर बाहर कॉलेज वगैरह में इतना ज़्यादा नहीं पहन के जा सकती, क्योंकि इनका जो स्टफ़ होता है ना, वो जिम वाली जो टी शर्ट्स होती है ना, जिम वाली टी शर्ट जैसा होता है। 200 रुपये की रेंज में आपको लोअर्स मिल जाएंगे। कुछ कुछ कॉटन की भी टी शर्ट्स थी, वो आपको ढूंढनी पड़ेंगी, अपना साइज़ देखना पड़ेगा। साइज़ का भी एक इशू है कि अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं तो जो साइज़ आपको नॉर्मली आता है उससे एक बड़ा लें, या फिर आप फुल्ली कॉन्फिडेंट होके लें कि ये वाली टी शर्ट आपको आ ही जाएगी या टाइट नहीं रहेगी। बच्चों के टॉयज़ की जैसे कि मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे पूरी एक टॉय मार्केट है जिसमें आपको बहुत अट्रैक्टिव टॉय देखने को मिल जाएंगे फुल पैकिंग के साथ। अगर आपके घर में है छोटे बच्चे, आपको चाहिए उनके लिए टॉयज़, तो आप एक बार ज़रूर सदर बाज़ार की टॉय मार्केट को एक्सप्लोर करना। 350-400-500 ये तीन रेंज ऐसी है जिसमें आपको बहुत ही सुंदर बड़ी कार या फिर अपने बच्चों के लिए जो बड़े टॉयज़ का सेट होता है वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि बच्चे हर किसी के घर में होते हैं और बच्चों को टॉयज़ बहुत पसंद होते हैं, तो आप उनके लिए यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। साथ ही में अभी तो विंटर सीजन चल रहा है, बेशक गर्मी आ गई है, फिर भी अगर आपको जाते जाते सर्दियों में भी शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ से विंड शटर वगैरह ले सकते हो, जैकेट्स वगैरह ले सकते हो। जीन्स वगैरह आपको 200-200 रुपये की रेंज में देखने को मिलेंगी। शर्ट 150 रुपीज़ की रेंज में थी। कॉटन इनका फैब्रिक रहेगा, और देखिए आपको सारे ऑप्शन है इसी तरह देखने को मिलेंगे। बारिश के मौसम में थोड़ा सा हो जाता है कि आपको भीड़ कम नज़र आती है, बट जो सनी डेज होते हैं उनमें आपको प्रॉपर भीड़ नज़र आएगी, तो प्लीज़ पॉकेट फ़ोन का ध्यान रखें। मसाले चाहिए हैं, दाल चावल चाहिए, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। चावलों की मल्टीपल इनके पास वैरायटी थी। 50 रुपीज़ की रेंज में आपको छोटे बच्चों के क्रॉक्स मिल जाएंगे। क्रॉक्स के कलर बहुत अच्छे थे, डिज़ाइन बहुत बढ़िया थे, साथ ही में स्लाइडर्स भी थे। अगर आपको बच्चों के लिए स्लाइडर्स लेने हैं तो आप अपने बच्चों के लिए स्लाइडर्स भी ले सकती हो, और आजकल इस तरीके के क्रॉक्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। 350 रुपीज़ की रेंज में स्वेटर्स थे, स्वेटर्स बहुत बढ़िया थे। स्वेटर्स का मैं इनको आप कार्डिगन्स भी बोल सकते हो,
और बहुत सारी लेडीज तो कार्डिगन्स पहनना ही पसंद करती हैं। अगर आपको भी अपने लिए कार्डिगन लेनी है 250-300 रुपए की रेंज में, तो वो ऑप्शन भी आपको सदर बाजार में देखने को मिल जाएगा। नॉर्मली जितनी भी स्ट्रीट मार्केट होती है ना, वहाँ पे आपको हर चीज़ मिलती है, किचन की, कपड़ों की, मेकअप आइटम, ज्वेलरी आइटम, बट सदर बाजार की बात ही अलग है।